केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। बता दें कि सेवा अध्यादेश अब कानून बन चुका है। रेल मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल जिले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहने के कारणों के जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कमेटी को 1 महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन 10 कुकी जो हमर विधायकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है जिन्होंने पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का कोई बंटवारा नहीं हो सकता। 10 विधायकों ने 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें पहाड़ी जिलों के लिए एक अलग मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख की मांग की गई। उन्होंने कहा कि मितेई समूहों से उनकी जान को खतरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोलते हुए अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ना बंद करें और इसके विकास के लिए काम करें। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में नवनिर्मित सड़कों, गलियों और नालियों का उद्घाटन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि पार्टियों को केवल चुनाव के दौरान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान व 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की अनुमति दी है। मणिपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। मणिपुर पुलिस का कहना है कि राज्य के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिले में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न जगहों से 4 बंदूक के 38 गोला बारूद और 8 बम बरामद किए गए हैं। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को एडवांस मेडिकल सुविधा मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति में मरीज को महज 10 मिनट में अस्पताल पहुंचाया जाएगा, साथ ही मरीज को रास्ते में ही उपयुक्त उपचार देने का प्रयास रहेगा।